गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी अभी जस्ट ही उठा हूँ मैं, और मैंने मुंह भी नहीं धोया हूँ। क्या है ना कि आपने आज तक सुना होगा कि अलार्म बजता है तो लोग उठते हैं, है ना। अभी मैं आपको एक दफा वक्त दिखा देता हूँ, फिर बात करते हैं। ये देखिए, अभी 6:30 भी नहीं बजा है, और अलार्म जो है ना वो जनरली हम लोग कभी भी नहीं देते हैं, लेकिन आज एक ऑटोमेटेड अलार्म कम से कम 4 से 5 बार बजा। और ये कैसे बजा? ये इस तरीके से बजा। ये देखिए हमारा कूलर, ये कूलर का जो आगे वाला पहिया है ना, ये कुछ दिनों से क्या है कि निकल गया था किसी वजह से, मतलब लूज पड़ गया था, अंदर से स्टिक नहीं रहा तो वो निकल गया था। इसके बाद हमने उसको ऐसे ही लगा के अपना काम चलाया, लेकिन अब हो क्या रहा है ना कि वो ऐसे भी नहीं रह रहा है, मतलब हम लोग लगा दे रहे हैं वो ऑटोमेटिकली थोड़ी देर के बाद बाहर आ जा रहा है एकदम से। ये देखिए पहियों को, इसमें एक्चुअली में 5 पहिया रहता है। देखिए बीच में एक पहिया है, साइड में 2 है और आगे 2 है, लेकिन ये आगे 2 के खसक आने की वजह से ना वो बीच वाले पहिए में भी लोड पड़ रहा है। देखिए वो भी थोड़ा टिल्ट हो गया है। अब वापस से उनको बुलाता हूँ। देखिए पहिया पूरा बाहर तरफ निकल आया है, एकदम छिटक के निकला है ये। मैं यहाँ पे आराम से लेटा हुआ था, मैं थोड़ा सा देख रहा था, चेक कर रहा था कि मतलब कैसा क्या प्रोग्रेस है, क्योंकि क्या है कि सुबह शाम मैं मॉनिटर करते रहता हूँ वीडियोज को कि कौन सा वीडियो कैसा गया कैसा नहीं। बट आज इस कूलर ने कहानी कर दिया है। मतलब पहली बार तो जब इसका चक्का खसका, खट करके आवाज दिया ना, मैं डर गया। सीधा ऐसे तड़ से मैं उठा हूं कि ये क्या आवाज दिया। फिर मैं देखा अच्छा चक्का खिसक गया। एक दफा हम लोग लगाए, दो दफा लगाए, जब 2-3 दफा हो गया ना, तब फिर मुझे लगा कि ना अब तो ये चीज आपके साथ शेयर करना ही चाहिए मुझे। मैं देखता हूँ एक दफा वो क्या कर रही है। आपको देख के ही साफ पता चल रहा होगा कि मैंने मुंह भी नहीं धोया अभी, है ना, और वो कपड़े धो रही है। आओ ना जरा। अरे सुनो तो, क्या हुआ क्या? कूलर का पहिया निकल गया वापस, दोनों पहिया निकल आया है। जल्दी आए आए। अरे पहले आए, सुनो तो, दोनों पहिया निकल आया कूलर है। को शासन करके रखा। और ये कह रही है कि सुबह जब मैं उठा भी नहीं था, मतलब तकरीबन 5 बजे के आसपास ना, 5 बजे के आसपास कितने दो दफा बार हुआ? धूप धूप करके मैंने परेशान कर दो दिया। बार एक बार कूलर इस इसीलिए तरीके से मैं हुआ। आपको बोली थी पानी उतना मत भरिए, वो लेकिन संभाल नहीं लेकिन पा रहा। लेकिन एक चीज सोचो कि पूरा रात भर चला है, कुछ हुआ नहीं है। रात भर सोचिए हमने इसको चलाया, क्योंकि गर्मी कल बहुत ही ज्यादा था इसलिए। अब इसका देखिए जो चक्का सेट करना है ना, तो वो भी मामूली बात नहीं है। उसके लिए भी क्या करना पड़ता है ना कि मुझे यहां से इसको उठाना पड़ता है, तब जाके वो आगे तरफ में लगा पाती है चक्का। ये देखिए जैसे अभी हाँ आराम से बीच है। वाला, हाँ ये देखिए, ये अभी मैंने इसको उठा के रखा है, ठीक है, और वो वहां पे अब चक्का फिक्स कर रही है। थोड़ा और, चलो 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 फिक्स करो भाई, फिक्स करो। फिक्स तो कर दे रहे। एक फिक्स हुआ। 1 मिनट, एक आइडिया। हाँ क्या आइडिया आया भाई तुम्हें? अच्छा पेपर देने से लग रहा है हेल्प आज होगा? पेपर है? नहीं मुझे नहीं पता यार, मैं नहीं तो अभी पेपर जस्ट उठा हूँ। आज को दिया नहीं, कितना कितना तारीख का है? कल का। कल का है, अच्छा चलो ठीक है। वो वहाँ पे फिक्स करेंगे, और मैं देखिए थोड़ा सा ये ठंडा यहाँ पे पानी। मैं पैर लगाया हुआ हूँ ताकि वो मतलब और ज्यादा खिसक ना पाए। आपने देखा ही बीच के चक्के में कितना ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है कि वो एकदम टिल्ट सा हो गया है। अब ये पेपर वाला बुद्धि अगर काम कर गया तो बहुत बढ़िया रहेगा, कल क्योंकि रह रहे के मतलब अपने आप ही निकल जा रहा है। इतना किसके पास समय है, इसको जाग के वही बैठेंगे। वही, और हर वक्त कौन ऐसा ये कर पाएगा कि कूलर खसकेगा और इसके बाद दौड़ के आओ। दौड़ के आओ। हालांकि रात भर लेकिन चल गया है, लेकिन अभी सुबह में ही पूरा प्रॉब्लम कर रहा है। मुझे लगता है ना कि शायद फेबिक्विक से हमारा काम बन जाता, भी क्विक से नहीं होगा, वो तो एक बार कड़ा छोगा और खुल पूरा जाएगा। निकल आएगा ना। अब वो भी बात है। इसमें अगर ऐसे होता है नहीं तो फिर वही कूलर वाला के पास जाके मैंने इलेक्ट्रॉनिक दुकान से पहिया लाना होगा दो तो। हाँ अच्छा, सबसे ज्यादा तकलीफ तब होता है ना जब आप टिल्ट करके रखो और दूसरे वाले पैर में मच्छर काट रहा हो। बड़ा गुस्सा भी आता है कि मतलब एक तो आप ऐसे पोजीशन पे रहो हैं और मच्छर को तसल्ली नहीं है, मच्छर तो शासन इस वाले करते पैर पे हैं। काट रहा था अभी। इधर से देखिए मैं कैसे इसको टिल्ट करके रखा हूँ, ये देखिए पूरा मेरा पोजीशन, और इस वाले पैर पे वो आराम से काटे जा रहा था। अच्छा एक पहिया लगा चुकी हो पेपर के साथ, टिका क्या? टिका तो है, खुल तो नहीं रहा है। क्या बात है यार, आराम से आराम से। क्या वो निकल आया क्या पहला वाला? निकला तो नहीं है, निकला नहीं है, लगता है काम आ जाएगा ये बुद्धि। काहे बोलो ना, छोड़िए ना, धीरे 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 छोड़ो, ठीक है, छोड़िए। क्योंकि वजन से थोड़ा अंदर भी तो जाएगा क्या? ठीक है, एक तो लगा है अभी। अच्छा अभी कुछ नहीं नहीं, उठाइए उठाइए। गया तो, मैंने कहा ना कि थोड़े देर में ही पता चल जाएगा कि ठीक है या नहीं। नहीं हो रहा है? रुके रुके। रुका हुआ हूँ, मच्छर वापस से भिन भिना रहा है।
कितना खतरनाक लगता है सोचिए कि जब आप इस तरीके कुछ पोजीशन में हो, मच्छरों का भी डर हो और साथ में इस चीज का भी कि कहीं कूलर आगे की ओर फिर से ना खिसके। धीरे धीरे छोड़िए ना। हाँ धीरे धीरे छोड़ता हूँ। दोनों तरफ का पकड़ी हुई हो? ठीक है क्या? हाँ अभी तो फिक्स है। फिक्स है? क्या हुआ? उधर वाला का प्रॉब्लम हो गया अभी। किधर? इधर वाला। और पता है वो जो आगे वाला चक्का खिसक रहा है ना, तो उसके वजह से हो क्या रहा है कि बीच का चक्का में भयानक लोड पड़ रहा है, मतलब वो टूटने टूटने का कगार पे है। बट चक्का क्वालिटी मानना पड़ेगा हाँ कि टूटा नहीं है, एटलीस्ट टिल्ट हो जा रहा है लेकिन टूटेगा नहीं। अरे वैसे में तुमको लगता है कि वो घुसेगा? घुस तो रहा है। अच्छा ऐसा पेपर का राउंड दे देना चलिए। ढीला हो गया है। इसमें क्या ग्लू रहता है पता नहीं। ग्लू से नहीं, वो फिट था। मतलब ढीला हो गया है, वो लूज हो गया है। छोड़िए। दोनों तरफ का चक्का लगाई हो ना? हाँ छोड़ा मैं। अभी तो लग गया। लग गया है। लग। अच्छा अब सबसे ज्यादा दुविधा तो इस चीज का हुआ है कि इतने छोटे से जगह में मैं पार कैसे हूँ। अब इसको थोड़ा तो मुझे आगे खसकाना होगा। रुक जाओ तुम। क्या निकला है? मैं तो आ गया। ठीक है। रात भर लेकिन चला कैसे मुझे तो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि रात भर चला कोई प्रॉब्लम नहीं आया और अभी जब बंद करके रखे हैं तो ये आगे खिसक रहा है। रुके एक दफा और देख लेते हैं इसके चक्के को अच्छे से। ये देखिए इन्हीं आगे के चक्कों में प्रॉब्लम आया था ना, ये पहला और वो दूसरा दोनों ही चक्का में। लेकिन देखिए यहाँ पे ये पेपर ऐसे राउंड करके और फिर लगाई है ताकि ये चक्का बाहर ना निकले, और जब मैं उठा के रखा था तो ये वाला चक्का बाहर नहीं निकला था, लेकिन वो एक दो दफा वो वाला निकला। बट उसको भी तो अभी फिक्स की है, देखते हैं क्या होता है। हालांकि वो थोड़ा टिल्ट नहीं लग रहा है क्या? जैसे ये वाला सीधा है, ये वाला, ये दोनों सीधा है, उस तरीके से वो वाला टिल्ट लग रहा है, बीच वाला भी हल्का सा टिल्ट लग रहा है देखिए। और इसका कारण भी साफ साफ है ना, क्योंकि ये दो चक्का जैसे ही निकल जा रहा है तो क्या है कि पूरा लोड इस पे पड़ जा रहा है ये, लेकिन टूटने जैसा लग रहा है मुझे तो। देखते हैं इसका एक दफा पानी जितना मैं भरा हूं कल वो यूज हो जाए, इसके बाद इसका कुछ देखते हैं। ये मुझे कह रही थी कि इतना पानी आप मत भरिए, लेकिन मैं इस चक्कर में भर दिया ना कि देखिए इसका जो बैक साइड है ना वो मैं खोल नहीं पाया। जबकि मामा घर जब मैं गया था, एक्चुअली क्या है कि मामा के पास सेम कूलर है, तो मैंने मामा से सीखा कि ये वाला कैसे खोलते हैं, तो उन्होंने सिखा भी दिया, लेकिन इसके बाद मुझसे खुद से खोला नहीं गया, क्योंकि जैसे ही इन तीनों नट्स को खोल दे रहा हूं ना तो इसके बाद वो नीचे से आ ही नहीं रहा। उसको मैं खींच रहा हूं अच्छे से, थोड़ा ऐसे हिला डुला के भी खींच रहा हूं, लेकिन नहीं वो नहीं आ रहा है। तो इसके लिए क्या है कि इसे हमें बालकोनी लेके जाना पड़ता है और फिर वहां पे हम लोग पानी डालते हैं। आपने एक दफा देखा भी होगा जब हम लोग नया नया निकाले थे इस कूलर को इस गर्मी में, उस टाइम पे मैंने पानी भरा था, तो कल भी बिल्कुल उसी तरीके से ही भरा गया। और जैसे ही भरा गया मेरा तो आदत है कि पूरा फुल कर देना, ताकि बार बार कौन लेके जाएगा बालकोनी और फिर वहां पे पानी भरेगा। लेकिन ये बोल रही थी कि नहीं पूरा पानी मत भरिए क्योंकि चक्का में प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन फिर भी मैं पहले से तो कम भरा, लेकिन रात भर अच्छे से चल गया। बट सुबह होते ही मॉर्निंग अलार्म देना ये शुरू किया। खैर अभी मैं सुबह वाला कोई भी काम नहीं किया हूँ, कोई भी काम नहीं मतलब कोई भी काम नहीं, ठीक है। तो अब जरा सा बाथरूम घुसता हूँ, मुंह धोऊंगा, नहाऊंगा, आऊंगा, इसके बाद फिर अपने काम पे वापस लग जाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, बहुत ही जल्द मिलते हैं एक अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप देखते रहिए ब्लॉगबर्ड्स, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं इसी तरीके से अपने लाइफ का हर एक शेयरेबल मोमेंट आपसे शेयर करता रहूंगा।